हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 24, इसमें आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास। ये टॉपिक जो होगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो CBSE में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हों, चाहे यूपी बिहार के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, अमृत तुल्य होगा। इसमें जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, इंडस्ट्री विच यूज अ मिनरल एज अ रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड टू द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देयर इज अ व्हाट इज द ईयर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री विच यूज अ मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। Iron and steel industry is the most important among this industry. The iron and steel industry is the most important among these industries. Engineering, cement, chemicals and fertilizer industries are also important mineral based industry. There is the most important engineering, cement, chemical and fertilizer industries are also important mineral based industries here. Come here, iron and steel industry. There is an important iron and steel industry. Iron and steel industry is a basic industry and it is a product serve as a raw material for a number of other industry. Iron and steel industry is a basic industry and it is a product serve as a raw materials for a number of other industries. Third, the iron and steel manufacturing activity in India is very old. Modern iron and steel industry started with their establishment of Bengal Iron Steel Works at the Kulathi and West Bengal in 1870. There 1870 there is the most important here, and Tata Iron Steel Company was established at their Jamshedpur in 1907. The 1907 is the most important here, and this was a flow by the Indian Iron Steel Plant at the Barunpur in 1919. All these three plants were established in the private sector. The first public sector iron steel plant, which is now as the Vishwavarya Iron Steel Works, was established of the Bhadravatis in 1923. The iron and steel industry made a rapidly progress after independence. The production capacity has increased in all the existing unit. Three new integrated steel plants were established at the Rourkela, Bhilai and Durgapur. Bokaro steel plant was the established under public sector in 1964. Bokaro and Bhilai plant were set up with the collaboration of the former Soviet Union. Durgapur steel plants was set up to the collaboration with the United Kingdoms, with the Rourkela plant as established with their help of the Germany, and Visakhapatnam and Salem's plant were set up afterward. At the time of independence, India is produced only a small quantity of iron and steel. Production of finishing steel in the country was only
10 lakh tons in 1950-51, which has increasing to the 23.8 million ton in 1998-99. There is a most important period time here. The major iron and steel plant of India are situated in the state of Jharkhand, West Bengal, Orissa, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Besides, there are about 200 mini steel plants in India with a capacity of 6.2 million tons per annum. Mini steel plant is a produced steel from scrap as a sponge iron. This unit is a continually there is an important component of iron and steel industry in the country. This is important, and most of the steel plant are located in around Chota Nagpur plateaus, which is the endowed with their rich deposit of iron ores, coal, manganese and limestone. The detail of raw materials, ownership and location give the following table here. Important table here. In this table, there is the most important here name of plant, location, ownership and coal power and raw material iron ores and obtained from there is limestone and manganese here. The first here, a name of plant here, TISCO. There is a Jamshedpur and private sector. And the here, Azaria and there's Aran Arizama, Bahanjan and Singhabhumiya and Konzahar Singhabhumi is the magnesium. And name of plant here IISCO. There is a Burhanpur and the public sector only, and Zaharia DBC and here Singhabhumi and Mayo Bahanj and Konzahar and Singhabhumi is the most important here of magnesium. And the next year name of the plant is a BISL. There is a BISL is a Bhadwati. Bhadwati is a public sector only, and here Sarvati's project and Kaman Gondai and Bhang Guda and Chitra Karsimgoma. And the next name of the HSL. HSL is a Rurkela, and here is the only public sector, and Bokaro, Jharia and Hirakund project here. And there is a iron ore is here, Sundragarh and the Konjhar. And the limestone is a Punampani, and there is a manganese is a Bara Zamda. And the next year name of the plant here, HSL. HSL is here, location is a Bhilai, and is also is a public sector here. And the, there is the coal power here, Askar, Kargali and Koraba. And there is iron ore is here, Dali Zara, and there is limestone is a Danis, and there is manganese is a Balaghat. Balaghat is the most important here. The next plant here, HSL. There is a Durgapur is the location, and here a public sector. And Jharai DVA, Olav Gairis, and the Brahmaputri Ajadam is the next year. Is a 7 of BSL. There's a Bokaro and his a public sector. And the name here. Iron is important, Jharis DBC as a and there are others important. And SSP is a Salima is a public sector here. And BSL is a Visakha Patanam is a public sector. And there is a iron here, Damodar Valley, and there are other is a Valley Ali, Chhattisgarh, and there are Chhattisgarh and MP. And the limestone is a Bhagaghat. There is an important here, and important also here a map that study on these materials here. Here show the most important map here, a Indian iron and steel plant here. You know that there show the most important iron plant on your screen. There is Solanum and there are Patis and Hospet and the Bhilai and Urkhera. And there is more important is a Bokaro, Durgapur, Hirapura, and there is an important here iron and steel plant on your screen in this map. आगे जो है हमारा खनिज आधारित उद्योग जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है. खनिज आधारित उद्योग कहते वो उद्योग जिनमें जो है खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं. यानी जर्नली सी बात जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं. इन उद्योगों में लोहा एवं इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है और कहते हैं इंजीनियरिंग सीमेंट जो रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग भी खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण है.
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि इंजीनियरिंग सीमेंट रासायनिक और उर्वरक उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे लौह एवं इस्पात उद्योग की, जो लौह और उद्योग इस्पात उद्योग है जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है लौह एवं इस्पात उद्योग, देखिए यह एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि इस उत्पादक बहुत से उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर एक उद्योग में जो है लौह एवं इस्पात उद्योग का उपयोग किया जाता है। कहते हैं भारत में यद्यपि लौह इस्पात उद्योग की औद्योगिक क्रियाएं बहुत पुराने समय से चली आ रही है, किंतु आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत अगर हम करें, शुरुआती दौर देखें, तो 1817 में बंगाल के जो है कुलटिस नामक स्थान पर बंगाल के लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ था इसका, 1817 में जो है बंगाल के जो है कुलटी नामक स्थान पे जो है लौह इस्पात कारखानों की स्थापना किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत कि लौह एवं इस्पात उद्योग का जो है कब शुरुआत हुई और कहाँ पर हुई। कहते हैं टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जो है जमशेदपुर में 1907 में हुई थी। अब देखिए टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ हुआ, जमशेदपुर में, और जो है आरंभिक दौर कब थी, 1907 में। और इसके पश्चात भारतीय लौह इस्पात उद्योग की स्थापना जो है 1919 में जो है बर्नपुर में हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। और इन तीनों संयंत्रों की स्थापना निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही हुई। देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे की स्थापना जो हुई निजी क्षेत्र के अंतर्गत हुई। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम लौह एवं इस्पात का संयंत्र, जिसे अब जो है शिव शरैया लौह एवं इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाता है, कि स्थापना जो है भद्रवती में सन जो है 1923 में ईस्वी में हुआ। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये भी रह जाता है कि सारे प्राइवेट सेक्टर थे, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र का जो निर्माण हुआ पहली बार वो था विश्व शरैया लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसको जो है स्थापना किया गया 1923 में भद्रवती में। तो ये भी यूपीएससी अंतर्गत एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता है और बहुत जरूरी भी रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात लौह एवं इस्पात उद्योग में तीव्रता से प्रगति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के जो पश्चात लौह इस्पात उद्योग की तीव्रता से प्रगति हुई। जो है कहते हैं सभी वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई और 3 नए कृत संयंत्र की स्थापना करामा जो है राउरकेली उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सन जो 1964 में की गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी बोकारो में देखा जाए तो इस्पात संयंत्र की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में हुआ, और कब हुआ, 1964 में की गई। बोकारो तथा भिलाई स्थित जो संयंत्रों की स्थापना जो है भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई, तो ये भी महत्वपूर्ण था। और इसी प्रकार दुर्गापुर लोहे एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से तथा राउरकेला और संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित भी किए गए। और इसके पश्चात विशाखापट्टनम और सलेम संयंत्र की स्थापना भी हुई। कहते स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सीमित मात्रा में कच्चे लौह तथा इस्पात का निर्माण भी किया गया था, और सन 1950-51 में भारत के इस्पात उत्पादन केवल 10 लाख टन था, जो 1998-99 में बढ़कर कहते हैं 238 लाख टन हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बढ़ोतरी को देखना पड़ा। कहाँ पर 10 लाख टन ही थी, जो कि 1950-51 के दौरान था, और 1998-99 के दौरान जो है 238 लाख टन होना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया जा रहा है। भारत के प्रमुख लौह तथा इस्पात संयंत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में अव्यवस्थित हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के प्रमुख लौह तथा इस्पात संयंत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में अव्यवस्थित है। इसके अलावा भारत में जो है 200 जो है लघु इस्पात संयंत्र हैं, जिसकी क्षमता जो है 62 लाख टन प्रति वर्ष है। देखिए कितनी क्षमता दर्शाई गई है, जो 200 लघु इस्पात संयंत्र जिनकी क्षमता 62 लाख टन प्रति वर्ष है। लघु इस्पात संयंत्रों की जो है इस्पात बनाने के लिए स्क्रोप या स्पांज लोहे का प्रयोग भी किया जाता है, और ये सारी छोटी इकाई देश में लौह तथा इस्पात उद्योग को जो है महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है।
कहते हैं अगर देखिए यहाँ पर तो लोहा तथा इस्पात उद्योग के अधिकांश संयंत्र भारत के छोटा नागपुर पठार अथवा उसके आसपास इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि इसी क्षेत्र में लोह अयस्क और कोयला, मैगजीन, चूने का पत्थर और जो है डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज के विलुप लक्षण मिलते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि छोटा नागपुर में ही इनका स्थापना क्यों हुआ, क्योंकि सारे जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, सारे इन्हीं क्षेत्रों में ही मिलते हैं, इसलिए छोटा नागपुर जो है एक आदर्श उद्योग क्षेत्र है, इसलिए सारे उद्योगों का जो है वहीं पर जो है शुभारम्भ की गई है। लोह इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल, शक्ति और स्वायत्त की अव्यवस्थित की जानकारी हमें कुछ सारणी से मिलेगी। तो चलिए देखते हैं सारणी को और अध्ययन करते हैं कि इसमें किस बात की तरफ जो है इशारा किया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारत लोह इस्पात संयंत्र एवं उनके कच्चे माल के स्रोत। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा है संयंत्रों के नाम की किस उसका नाम कंपनी का क्या है, ये किस स्थिति में है और उसका स्वामित्व कैसी है। उसके बाद हमारे कच्चे माल की आपूर्ति के अंतर्गत जो है कोयला, बिजली, लोह अयस्क, चूने का पत्थर, मैगनीज का आया है। देखिए सबसे पहले आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि जमशेदपुर में है और ये निजी है, यानी ये निजी है और इसमें जो है कोयला जो है झाड़िया में उपलब्ध है और यहाँ लोहा अयस्क जो है मयूरभंज में है और चूने का पत्थर जो क्यूझर में है और मैगनीज जो है सिंहभूमि में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके पश्चात आता है इंडियन आयरन एंड स्टील इसको, यानी ये जो है बर्नापुर में है और ये सार्वजनिक है, यानी इसको जो है सार्वजनिक है यानी लिमिटेड है। कहते हैं अगर हम लोगों की बात करें तो झाड़िया, दामोदर घाटी, अगर दूसरी की बात करें तो सिंहभूमि, मयूरभंज और उसकी बात करें तो कलोझर और सिंहभूमि में मिलता है। अगर हम तीसरी बात करें तो जिसमें शिवसरैया भद्रवती, ठीक है, शिवसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है भद्रवती में स्थित है, यानी शिवसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जिसको BISL के नाम से जाना जाता है वो भद्रवती में है और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर हम कोयला और पावर की बात करें तो शरावती परियोजना के अंतर्गत आता है, उसका केमामांस, गुड्डीस, बंडगुड़ा और चित्रदुर्गा और जो है शिवमोगा के में आता है ये। उसके पश्चात आता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HHL, ये जो है रायकेला में है और ये सार्वजनिक क्षेत्र है। अगर हम इसके मिनरल्स की बात करें तो पहला मिनरल जो है बोकारो, झाड़िया, हीराकुंड परियोजना में है, दूसरा जो है सुंदरगढ़ में कलोझोर के अंतर्गत है और तीसरा जो है पुमा पानी और चौथा जो है बड़ा जमोदा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पाँचवें अगर बात करें तो हिंदुस्तान भिलाई स्टील लिमिटेड यानी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL जो कि भिलाई में स्थित है, यानी हिंदुस्तान लिमिटेड जो है भिलाई में स्थित है और ये कंपनी जो है सार्वजनिक है। अगर पहले मिनरल्स की बात करें हम तो ये कारगिल करोबा में है और दूसरी की बात करें तो दिल्ली से राजहरा में है, तीसरी जो है नंदनी में है और चौथा जो है बालघाट में स्थित है। अगर हम छठे पॉइंट की बात करें जिसमें हिंदुस्तान लिमिटेड HSL आता है जिसमें दुर्गापुर में इसको स्थापित किया गया है और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर पहले मटेरियल की बात करें तो झाड़िया दामोदर घाटी में मिलता है, दूसरा जो है बेलागीरा में कलोझोर में मिलता है, तीसरा जो है वीर मित्रपुर में मिलता है जो सुंदरगढ़ जिले में आता है और जमादा झोलर जिला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चौथे मिनरल्स के लिए। उसके पश्चात आता है भारत लिमिटेड कंपनी यानी BSL जो कि बोकारो में स्थित है और ये कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके जो पहले मिनरल जो है झाड़िया में मिलता है, उसके बाद दूसरा मिनरल जो है करीवीरू में मिलता है, पालूम में मिलता है तीसरा और चौथे का इसमें नहीं मिलता, चौथा है नहीं इसके अंतर्गत। उसके पश्चात अगर हम बात करें आठवां पॉइंट जिसमें SSP आता है जिसको सलेम में स्थित किया गया है और ये भी सार्वजनिक क्षेत्र ही है और इसका पहला मटेरियल जो है नवेली में मिलती है, दूसरा सलेम जिला में, तीसरा सलेम जिला में ही मिलता है, चौथा भी सलेम जिला में ही मिलता है। उसके बाद अगर हम नौवें पॉइंट की बात करें जिसमें BSL है जो कि विशाखापट्टनम में मिलता है और ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी है और इसका पहला मटेरियल जो है दामोदर घाटी, दूसरा जो है बेलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य में, तीसरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्य प्रदेश में मिलता है और उसके बाद चौथा जो है बालघाट में मिलता है जो कभी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसका और भी महत्व तब बन जाता है जब हम इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्षेत्र को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है और इसका जो है सही जो है क्षेत्र कौन सा है। तो ये देखिए चलिए मैप देखते हैं इसमें क्या दर्शाया गया है।
देखिए हमारे समक्ष जो आया मैप आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें लो इस्पात केंद्र जो भारत में स्थित है उसके बारे में दर्शाया गया है। आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ही क्षेत्रों में जो है ये जो है लो इस्पात उद्योग केंद्रित है। अगर हम देखें तो इसमें सलेम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद भद्रवती आती है, उसके बाद जो है सलपोर्ट आता है जो एक ही राज्य में स्थित है। उसके पश्चात अगर देखें तो हम भिलाई में भी देख सकते हैं कि लो इस्पात उद्योग जो है लगाई गई है। उसके बाद राय रायल कोयला में, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में, बोकारो में, हीरापुर, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर जो है लो इस्पात केंद्र स्थापित है और इसकी महत्वता को जाने बिना आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने जो है लो इस्पात केंद्र के विषय में हर एक पहलू पे, हर एक लो इस्पात के विषय में जानकारी प्राप्त किया, जानने की कोशिश किया और महत्वपूर्ण भी था। अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप शेयर करके ही जो है तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो और हेल्प करने के लिए संकोच होने की आवश्यकता नहीं है, इस जो है खुले दिल से करने की आवश्यकता है। कहते हैं जो चीज़ अच्छा लगे उसे शेयर करना चाहिए, ठीक है, इसे दूसरे बच्चे तक भी ये पहुंच जाए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को बाद में रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा, कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा, तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। अगर होम पेज रहेगा सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको होम पेज भी मिलेगा जहाँ पर सारे वीडियो है। यहाँ पर 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है। सिलेबस के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत या क्लास के अंतर्गत वीडियो भी प्रावधान है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को अवश्य देखिए, वहाँ पर सारे टॉपिक आपको मिलेगा। कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ विचार है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ बेकार लगा, कुछ भी अगर आपके मन में चल रहा है तो उसको कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।